नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका चक्रव्यूह में। लड़की हूं और मैं लड़ सकती हूं, ये शब्द मेरे नहीं, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी के हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। अब ऐसे में कांग्रेस 40% टिकट महिलाओं को देने जा रही है। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने लखनऊ में आज प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होंने ये ऐलान किया। प्रियंका ने कहा कि फैसला तमाम पीड़ित महिलाओं के साथ न्याय करेगा। प्रियंका ने नया नारा दिया, लड़की हूं और मैं लड़ सकती हूं। कांग्रेस 40% महिलाओं को टिकट देने के लिहाज से यूपी की कुल 403 विधानसभा सीटों में से 161 पर महिला उम्मीदवार उतारेगी। प्रियंका जब ये ऐलान कर रही थी तब भी उनके मंच पर 7 पुरुष थे और प्रियंका के आजू बाजू केवल 2 महिलाएं बैठी हुई थी। सवाल ये है कि जहां प्रियंका गांधी ये कह रही हैं कि उन्हें महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ जब वो प्रेस वार्ता करती हैं तो महिलाओं से ज्यादा पुरुष नजर आते हैं उनकी पार्टी के। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पार्टी का महिलाओं को टिकट देने का फैसला काफी चुनौती भरा होने वाला है। और क्या क्या चुनौतियां होंगी वो इस खास चर्चा में आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। प्रियंका को परिवारवाद से एतराज नहीं है, ऐसी तमाम तस्वीर निकलकर सामने आई। कांग्रेस ने भले ही महिलाओं को 40% टिकट देने का ऐलान किया हो, लेकिन इसमें भी नेताओं के परिवार की महिलाओं का भी दबदबा रहने वाला है, उसकी संभावना है। खुद प्रियंका गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान परिवारवाद का समर्थन किया। जब उनसे सवाल पूछा गया कि कांग्रेस ने 40% महिलाओं को टिकट देने का ऐलान किया लेकिन सभी असरदार नेता अपने परिवार की महिलाओं को ही टिकट दिलाने के लिए लॉबिंग करेंगे, इस पर प्रियंका ने कहा कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर वो परिवारवाद से भी जुड़ी हैं और राजनीति में आना चाहती हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। हमें इस राजनीति में पुरुषों का सामना नहीं करना है, हमें इस राजनीति में आगे चलकर बदलाव लाने हैं। खुद चुनाव लड़ने का सवाल लेकिन प्रियंका गांधी टाल गई और वो भी एक तीखी सी मुस्कुराहट के साथ। प्रियंका ने कहा कि हमने आवेदन मांगे हैं और 15 नवंबर तक लोग टिकट के लिए आवेदन कर सकते हैं। महिलाओं को टिकट मेरिट के आधार पर दिया जाएगा। प्रियंका ने यह भी कहा कि उनका बस चलता तो वो 40 की जगह 50% टिकट महिलाओं को दे देती। जब उनसे विधानसभा चुनाव लड़ने के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इस पर हम बाद में सोचेंगे, अब इस पर कोई भी सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। वहीं यूपी में कांग्रेस के सीएम फेस के साथ उतरने के सवाल पर भी उन्होंने कहा कि इस पर अभी फैसला नहीं हुआ है। तो मुख्य एजेंडा प्रियंका गांधी का साफ है, महिलाओं को न्याय दिलाना, महिलाओं के लिए खड़े रहना, राजनीति में महिलाओं की संख्या को बढ़ाना, साथ ही साथ महिलाओं को सशक्त करना। अगर कोई भी महिला, आम महिला किसी मुसीबत में होती है या न्याय के लिए दर दर भटकती है तो वो कहीं ना कहीं ऐसी महिलाओं के पास पहुंचे जो नेता हैं, जो उनका सपोर्ट कर सकती है, उनका ढांढस बना सकती है, उनका साहस बन सकती है। तो फैसले से पीड़ित महिलाओं को न्याय मिलेगा। प्रियंका गांधी ये कहती हैं कि जब मैं 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश आई थी तो प्रयागराज में यूनिवर्सिटी की कुछ लड़कियां मुझसे मिली, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ लड़कों और लड़कियों के लिए अलग नियम है। इसके बाद हमने ये फैसला किया, यानी कि ये जो रणनीति आज तैयार की गई है वो रणनीति आज की नहीं है, 2 साल पहले की है। ये फैसला उन्नाव की उस लड़की के लिए है जिसे जलाकर मारा गया, ये फैसला हाथरस की उस लड़की के लिए है जिसे न्याय नहीं मिला। प्रियंका आगे कहती हैं कि मुझे लखीमपुर में एक लड़की मिली थी, उसने कहा था कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहती है, हमारा फैसला उसके लिए है। ये सोनभद्र में उस महिला के लिए है जिसने लोगों के लिए आवाज उठाई, ये फैसला यूपी की हर उस महिलाओं के लिए है जो यूपी के आगे बढ़ना चाहती है, अपना भविष्य बनाना चाहती है या बदलाव लाना चाहती है। लखीमपुर को लेकर सरकार पर निशाना साधा है प्रियंका गांधी ने और कहा कि यूपी में आम आदमी की सुरक्षा कोई नहीं करता। आज सत्ता का नाम यह है कि आप खुलेआम लोगों को कुचल सकते हैं, आज नफरत का बोलबाला है, महिलाएं से बदल सकती हैं। प्रियंका ने कहा कि जब सीतापुर में मुझे महिला पुलिसकर्मियों ने घेर लिया तो 2 महिला पुलिसकर्मी मुझे सीतापुर के पीएसी गेस्ट हाउस लेकर गई, उनके लिए भी ये फैसला लिया गया है। धर्म की राजनीति से निकलना है और आगे ले जाना है और महिलाओं को खुद ही ये कदम उठाना है।
आपको बता दूं कि प्रियंका गांधी सोमवार रात दिल्ली से लखनऊ पहुंची थी। प्रियंका गांधी ने सोमवार को शाजापुर जिले में अदालत परिसर के भीतर एक वकील की हत्या को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि आजकल उत्तर प्रदेश में कोई सुरक्षित नहीं है, चाहे वो महिलाओं हो, किसान हो या फिर वकील ही क्यों ना हो। तो ये पूरी रणनीति प्रियंका गांधी ने तैयार कर ली है, लेकिन महिलाओं के साथ क्या 2022 को फतह कर पाएंगी प्रियंका गांधी, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इन मुद्दों को लेकर प्रियंका गांधी एक मजबूत नेता के तौर पर जरूर उभरती हुई नजर आई हैं। इस प्रेस वार्ता में प्रियंका गांधी ने और क्या कुछ कहा, जरा वो भी सुनिए। हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को देगी। हमारी प्रतिज्ञा है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से भागीदार होंगी। ये फैसला हमने किस लिए किया? जब मैं 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश प्रचार के लिए आई थी तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुछ लड़कियां मेरे से मिली और उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से यूनिवर्सिटी के नियम कानून, हॉस्टल के नियम कानून उनके लिए अलग थे और पुरुषों के लिए अलग। ये निर्णय उनके लिए लिया है। ये निर्णय मैंने उस महिला के लिए लिया है जिसने गंगा यात्रा के दौरान मेरी नाव को वापस तट पर बुला के कहा कि मेरे गांव में पाठशाला नहीं है, मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। ये निर्णय उस लड़की प्रयागराज की एक लड़की पारो के लिए लिया गया है जिसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे कहा कि दीदी बड़ी होकर मैं नेता बनना चाहती हूँ। ये निर्णय उसके लिए है। ये निर्णय चंदौली में जो शहीद एयरफोर्स के पायलट हैं उनकी बहन वैष्णवी के लिए है जिसने मुझे कहा कि उनके भाई शहीद हो गए हैं लेकिन वो पायलट बनना चाहती है। ये निर्णय उन्नाव की उस लड़की के लिए है जिसको जलाया गया, मारा गया, उसकी भाभी के लिए है जो आज भी संघर्ष कर रही है उसका, और उसकी 9 साल की भाभी की बेटी के लिए है जिसको स्कूल में धमकाया गया था। ये निर्णय हाथरस की उस माँ के लिए है जिसने मुझे गले लगाकर कहा कि उसको न्याय चाहिए, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। ये निर्णय रमेश कश्यप की बेटी के लिए है, उसका नाम भी वैष्णवी है, जो बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती है। लखीमपुर में एक लड़की मेरे से मिली, मैंने उससे पूछा क्या बनना चाहती हो बड़ी होकर, उसने कहा प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ। उसके लिए है ये निर्णय। ये निर्णय लखनऊ की एक बस्ती में लक्ष्मी वाल्मीकि के लिए है जो ITI पढ़ी है, BA की है उसने, कंप्यूटर पास किया है, आज तक उसे नौकरी नहीं मिली है। ये निर्णय उसके लिए है। ये निर्णय सोनभद्र में उस महिला के लिए है जिसका नाम किस्मत है, जिसने अपने लोगों के लिए आवाज उठाई, संघर्ष किया और न्याय मांगा। ये निर्णय उत्तर प्रदेश की हर एक महिला के लिए है जो बदलाव चाहती है, जो न्याय चाहती है, जो एकता चाहती है, जो चाहती है कि आगे बढ़े उसका प्रदेश। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, आप समाज सेविका हैं, आप अध्यापक हैं, आप एक नौजवान महिला हैं जो आप अपना भविष्य बनाना चाहती हैं, आप प्रेस में हैं, अगर आप बदलाव चाहती हैं तो इंतजार मत करिए। आपकी सुरक्षा कोई नहीं करने वाला। सब बातें करते हैं, सुरक्षा करने का जब समय आता है तो सुरक्षा उनकी होती है जो आपको कुचलते हैं। आज सत्ता का नाम ये है कि आप खुलेआम पूरे पब्लिक के सामने लोगों को कुचल सकते हैं। तो प्रियंका गांधी के इन शब्दों से आप समझ चुके होंगे कि प्रियंका गांधी चाहती हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो, महिला आगे बढ़े, महिला अपना भविष्य उज्जवल करे। महिलाओं का भविष्य उज्जवल होगा तो अपने आप प्रदेश की गति जो विकास की है उसमें धार मिलेगी और वो तेजी के साथ बढ़ती हुई नजर आएगी। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। रजनीश मिश्रा जी प्रवक्ता हैं सुभाषपा से, अशोक मिश्रा जी बीजेपी नेता हैं, ऋषि मिश्रा जी हैं राजनीतिक विशेषक, और हाजी अब्बास जी हैं
सपा के नेता हैं। आप सभी का सबसे पहले न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में बहुत स्वागत है। देखिए कांग्रेस के नेता भी अभी हमारे साथ जुड़ेंगे, कुछ टेक्निकल इश्यू है जिसकी वजह से वो जुड़ नहीं पा रहे हैं और वो हमारे साथ फोन पे जुड़ेंगे, लाइव नहीं जुड़ पाएंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल जो है वो मैं यहाँ करने वाली हूँ बीजेपी नेता अशोक मिश्रा जी से, क्योंकि अभी हमारे साथ कांग्रेस नेता नहीं जुड़े हैं। अशोक मिश्रा जी, 40% आरक्षण जो है वो प्रियंका गांधी ने ऐलान कर दिया है कि कांग्रेस 40% महिलाओं को सीट देने जा रही है और यहाँ जो टिकट मिलने वाला है उन सीटों पर लड़ाई होगी जिन सीटों पर कांग्रेस कहीं एक बड़ा वर्चस्व रखती थी। बीजेपी में क्या खलबली है? भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से महिलाओं का सम्मान करती है, पहले ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और हुआ है। नारी का सम्मान भारतीय जनता पार्टी में है और हम पहले से ही नारी सशक्तिकरण के पक्ष में रहते हैं और हमारे हमारे दल में महिलाओं को हमारी वित्त मंत्री देखिए महिला है, कपड़ा मंत्री महिला है, हमारे उत्तर प्रदेश जैसे राज्य महिला है, तो भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से महिलाओं का समर्थन करती है, महिलाओं को सम्मान करती है। अशोक जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, कहीं भारी तो नहीं पड़ने वाला? कहीं नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पहले से ही बेटियों को आगे पढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से बेटियों को आगे पढ़ाकर आगे पहुंचाने का काम किया है। तो प्रियंका गांधी जो नाम गिनवा रही हैं, आखिर वो कहाँ की लड़कियां हैं? क्या वो उत्तर प्रदेश की नहीं हैं? ये अब हताशा है, निराशा है कांग्रेस की। अब कांग्रेस को जनता नकार चुकी है, उनमें कोई मुद्दा इनके पास बचा नहीं है, इसलिए हम ये मुद्दा उनके लिए है। भारतीय जनता पार्टी बोले बहुत पहले से इसी पे काम करेंगे, काम करेंगे। नहीं तो इसमें खुश होने वाली बात है ना कि महिलाओं को इतना बड़ा सम्मान मिलने जा रहा है, 40% टिकट जो है वो महिलाओं को मिलेगा, महिलाओं की भागीदारी ज्यादा होगी राजनीति में। भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही महिलाओं को बहुत सम्मान किया, उनकी भागीदारी आगे निश्चित है। तो कहां आपकी पार्टी में कहां महिलाएं आगे रहती हैं, वो भी पीछे ही रहती हैं। अपने लिए आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं, अपने लिए वो आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं कर पाती। इस देश का वित्त मंत्री कौन है? देखिए देश का वित्त मंत्री, देश का वित्त मंत्री एक एक महिला से कुछ नहीं होता ना, एक महिला से देश में बदलाव नहीं आ सकता ना, महिलाओं की स्थिति नहीं सुधर सकती। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे लड़की हूँ लड़ सकती हूँ भारी पड़ रहा है, क्योंकि आज की लड़कियों को लड़ना जरूरी है, क्योंकि अपने हक के लिए खुद ही लड़ेगी, क्योंकि कोई साथ नहीं देता। अशोक जी, आपकी आवाज कुछ ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है। भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से ही महिलाओं को सम्मान करती है, उनको आगे बढ़ाने का काम करती है। ठीक है, तभी उत्तर प्रदेश में एक भी रेप केस नहीं आता। बिल्कुल सही कह रहे हैं अशोक जी। ये प्रियंका जी का तप है, 70 सालों में कुछ नहीं किया और बदला कुछ नहीं है, तो ये नारा खोखला नारा ही था। चलिए ठीक है, भारतीय जनता पार्टी जमीन पे काम कर रही है महिलाओं के लिए, वो तो 2022 में पता चलेगा खोखला नारा था या नहीं था। खैर अशोक जी, आपकी आवाज थोड़ी सी ठीक तरीके से नहीं आ पा रही, शायद नेटवर्क इशू हो रहा है। मैं यहाँ पर रुक करूंगी, ऋषि मिश्रा जी का राजनीतिक विशेषक हैं। ऋषि जी, प्रियंका गांधी ने जो आज नारा दिया है एकदम से तूफान ला दिया है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, आपकी पहली टिप्पणी क्या? देखिए, हम महिला रिजर्वेशन गेम का बहुत पहले से मान था कि महिला रिजर्वेशन को लागू किया जाए और हर पॉलिटिकल पार्टी जो है इसको लेकर चुनाव जब चुनाव होता है तो जाते हैं और वादा करते हैं कि महिला रिजर्वेशन बिल को लागू करेंगे, लेकिन जब एजुकेशन की बात आती है तो आपने देखा होगा करीब करीब हर पॉलिटिकल पार्टी का इस पर एक ही रुख है। देखिये, किसी भी समाज में, किसी भी देश का या समाज का डेवलपमेंट तब होता है जब उसके हर वर्ग को समावेशी इंगेजमेंट तो मिलता है। जैसे आप कोई भी समाज में आर्थिक शैक्षणिक और राजनीतिक भागीदारी समान रूप से मिले तभी वो समाज सही ढंग से डेवलप माना जाता है।
मैं प्रियंका गांधी जी के इस स्टेप का जरूर वेलकम करता हूं कि उन्होंने जो आज घोषणा किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जो है, अगर ये राजनीतिक स्टंट ना हो तो क्यों ऋषि जी, अगर ये राजनीतिक स्टंट ना हो तो नहीं। देखिए आप तो हमें, हम लोगों को देखना होगा कि जब टिकट वितरण कांग्रेस करती है तो क्या जो प्रियंका गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो वादे किए हैं कि जो हम जो है 40% उम्मीदवार महिला उतारेंगे, कांग्रेस उतारती है या नहीं उतारती है ये देखना होगा जी। और मेरा ये बिल्कुल मानना है जब तक आधी आबादी राजनीतिक रूप से एक्टिव नहीं होंगे, आप आधी आबादी को घर में बैठा के हिंदुस्तान के डेवलपमेंट का सपना नहीं दे सकते हैं। जब तक आधी आबादी की राजनीतिक रूप से भागीदारी, शैक्षणिक आर्थिक हर ढंग से भागीदारी नहीं होगी तो आप देश के ठीक है ऋषि जी, ठीक है आपके पास वापस लौटूंगी। अब्बास जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, सपा नेता हैं। अब्बास जी, एक मुख्य विपक्षी दल है सपा, लेकिन सेंधमारी कांग्रेस के लगातार देखने के लिए मिल रही है। प्रियंका गांधी हर मुद्दे को बनाने की कोशिश कर रही है, कितनी तकलीफ होगी सपा को? देखिए प्रियंका गांधी जी कर रही है पार्टी के लिए अच्छा काम कर रही है, चलिए मानते हैं कि एक महिला होने के नाते वो अच्छा काम कर रही है, अच्छा लगा ये सुनकर। जी अच्छा काम करिए, अपनी पार्टी के लिए अच्छा काम करिए, हर पॉलिटिकल पार्टी अपना काम करती है। लेकिन रही बात महिलाओं को सम्मान की, अफसोस ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिसके सारी लड़ाई है और प्रदेश में बदलाव भारतीय जनता पार्टी को हटा के ही लाना है, तो भारतीय जनता पार्टी की जो शायद प्रदेश की हो वहां तो उनके तो घर में ही महिलाएं नहीं है। महिलाओं का अपमान जहां से शुरू करते हैं और किस तरह से बेटियों के साथ वो कह रहे थे कि बेटी बचाओ आंदोलन तो इसी सब को लिए भारतीय जनता पार्टी में उनका मान सम्मान देखिए। अशोक जी आपके पास लौटूंगी, अब्बास जी को बोल लेने दीजिए, उसके बाद फिर आपके पास गंगाबाद जी कंटिन्यू कीजिए। महिलाओं को सशक्त कौन करेगा, कैसे करेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो सपा कब करेगी सबसे इम्पोर्टेंट है? तो पार्टी ने महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए क्या किया है और आगे क्या करने वाली है सपा? देखिए हमने बेटियों को 12th पास के बाद 30,000 रुपए दिए, 30,000 रुपए देने से बेटियां सशक्त हो जाती हैं, लैपटॉप देने से, साइकिल देने से महिलाएं सशक्त हो जाती हैं। पढ़ने वाले पढ़ने पानी में जो तैर रहा हो अगर उसको नाव पकड़ा दिए तो दरिया पार हो जाता है, ये इतनी आसान बात नहीं कि इंटर पढ़ने वाले को अगर लैपटॉप 30,000 मिलेंगे तो उसकी आगे की पढ़ाई हो जाती है, आगे बढ़ता है, बेटियों को पढ़ाया जाता है। चलिए ठीक है, समाजवादी पार्टी इस बार बड़ी तादाद में महिलाओं को टिकट देगी, महिलाओं को सम्मान करेगी, यानी कांग्रेस की तर्ज पर सपा भी अब बड़ी तादाद में टिकट देने की शुरुआत करने वाली है, जिताने के लिए टिकट देगी। देखिए एक महिलाओं को जिताने के लिए टिकट देगी और हम जिता के ला के दिखाएंगे। कैसे जिता के ला के? वोट तो जनता ही करेगी या सपा के नेता जाके करेंगे वोट? वोट तो जनता ही करेगी ना, आप तो पूरा ऐसे इतना कॉन्फिडेंस होके कह रहे हैं जिता के ला के दिखाएंगे। हाँ जिता के, जिताऊ सीटों पे, जिताऊ सीटों पर लड़ाएंगे ना हम, खाली टिकट बांटने से कोई नहीं जीत जाता। चलिए ठीक है अब्बास जी आपके पास वापस लौटूंगी, टिकट बांटने से कोई नहीं जाता, जिताऊ सीटों से हम महिलाओं को टिकट देंगे, ज्यादा तादाद में देंगे। अब्बास जी आपके पास वापस लौटूंगी, जावेद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जावेद जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, सुन लीजिए 2022 अब्बास जी आपके पास वापस लौटूंगी, जावेद जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जावेद जी, कांग्रेस का ये बड़ा दाव प्रियंका गांधी ने 40% टिकट देने का ऐलान कर दिया है, प्रियंका गांधी बहुत ज्यादा सक्रिय हैं और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि प्रियंका गांधी एक मजबूत नेता के तौर पर लगातार दिखाई दे रही हैं। अगर ये राजनीतिक स्टंट नहीं है तो ये बहुत ही अच्छा काम है जो प्रियंका गांधी ने आज ऐलान किया है। देखिए तो आवाज इको कर रही है और जो हमारे मित्र प्राइम मिनिस्टर ने बात रखी है वो हमें समझ में नहीं आई, लेकिन जो आपने सवाल किया है मैं उस पर आ रहा हूँ जी। बहुत स्पष्ट है, एक बड़ी रेखा प्रियंका जी ने बड़े हृदय के साथ खोलने का काम कर दिया है और अब राजनीतिक दलों में बौखलाहट है,
जो लोग महिलाओं के सम्मान की बात करते थे, ये वो वही कांग्रेस है जिसने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा जो आगामी चुनाव होने जा रहा है, प्रियंका जी ने अपने नेतृत्व में एक बड़ा निर्णय कराया है और उस निर्णय की आज घोषणा की है। ये नारी सशक्तिकरण की दिशा में निश्चित रूप से ऐतिहासिक होगा, क्योंकि कांग्रेस एक ऐतिहासिक आंदोलन से उपजा राजनीतिक दल है और उस ऐतिहासिक राजनीतिक दल ने आज फिर एक ऐतिहासिक वो काम किया है कि जिससे समाज को बांट कर, समाज को विभाजित करके राजनीति करने वाले को के मुंह पर एक बड़ा तमाचा पड़ा। ठीक है जावेद जी, जावेद जी ठीक है, एक बात सुनिए मेरी। प्रियंका गांधी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, सिर्फ दो महिलाएं उनके इर्द गिर्द बैठी हुई नजर आ रही थी, बाकी सब पुरुष नेता वहां पर कांग्रेस के थे, तो ऐसे में कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किलों भरा यह सफर हो सकता है। सफर तय तो कर लिया लेकिन कांटे बहुत हैं सफर में, कैसे पार पा पाएंगे प्रियंका? नहीं नहीं, कोई मुश्किल भरा सफर नहीं है। अब कांग्रेस के लिए 2022 बहुत आसान होने जा रहा है। मुश्किलें उन लोगों के लिए हैं जो कांग्रेस को खत्म करने का सपना देख रहे थे। आज हमारे कार्यालय में अगर आपका कोई कौन कौन है इसमें जो कांग्रेस को खत्म करने का सपना देख रहे थे बीजेपी को छोड़कर, आज ऐतिहासिक विरोधी महिलाओं की महिलाओं ने आतिशबाजी की है, महिलाओं ने आज ही दीपावली मना ली है और हम अपनी उन बहनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। प्रियंका जी के नेतृत्व में हम सब लोग एक साथ हैं। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है, जो लोग बयानबाजी करके, जो लोग ट्वीट पर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बता रहे थे, आज वो कहाँ है? ये वही लोग हैं जो यही इसी चर्चा में हैं और बेटियां जावेद जी इसी चर्चा में हैं। अशोक जी हमारे साथ बने हुए हैं, केंद्रीय मंत्री महिलाओं के साथ बेटियों के साथ किस तरीके से दरिंदगी करते थे, महिलाओं का वोट लेकर इनके अधिकारों का हनन करने का काम करते थे। ठीक है, आज कहाँ है वो लोग? आज उनके चेहरे धुआं हैं, कितनी हमारी बहनों के सुहाग उजड़ गए इस क्रूर शासन में, हमारी कितनी बहनें विधवा। ठीक है जावेद जी, ठीक है आपके पास वापस लौटती हूँ। रजनीश जी बहुत देर से हमारे साथ बने हुए हैं। रजनीश जी सुभाषपा से आप प्रवक्ता हैं, आप ये बताइए कि ओम प्रकाश राजभर कहीं ना कहीं अंदर खाने मन बना रहे हैं कि एक बार फिर से बीजेपी से जुड़ा जाए, लेकिन ऐसा वो नहीं कर पा रहे हैं, क्या मुश्किलें हैं? देखिए हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा आवाज को जनहित के मामले पर 7 सूत्रीय मांग पत्र रखा गया है और इस पर जो है वार्ता लगभग जो है नेताजी की चल रही है और हम लोगों की बात को अगर भाजपा मानती है तब तो समझिए कि हम लोगों का गठबंधन 27 तारीख को आपको देखने को मिलेगा और अगर नहीं मानती है आगे भी विकल्प खुला हुआ है। ठीक है रजनीश जी, बीजेपी के साथ जाने का मन तो आप लोग नहीं बना रहे हैं, कांग्रेस कहीं ना कहीं मजबूती के साथ उभर रही है, कहीं कांग्रेस के साथ जाने का मन तो नहीं है? हमारे नेता ने बहुत पहले बयान दिया था कि हमारे मुद्दे पर सपा बसपा और कांग्रेस तीनों के लिए दरवाजा बहुत पहले खोला गया था और भाजपा के लिए दरवाजा बंद किया गया था, लेकिन अब भाजपा के लिए भी दरवाजा खोला गया है। मुद्दा हम लोगों का स्टैंड एकदम साफ है, हम लोग के स्टैंड पर जहां बात बन जाएगी वहां गठबंधन की बात करने में कोई गुरेज नहीं है। तो फिलहाल क्या सोचा है, सपा के साथ जाना है, कांग्रेस के साथ जाना है, कौन आपके लिहाज से कौन सी पार्टी ज्यादा मजबूत विपक्ष इस समय दिखाई दे रही है? हमारे लिए भागीदारी संकल्प मोर्चा पूरा उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूती के साथ खड़ा है। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिना भागीदारी संकल्प मोर्चा को लिए किसी का भी भला होने वाला नहीं है। आज एक बहुत अच्छा ऐलान कांग्रेस पार्टी ने किया है, प्रियंका गांधी ने किया है कि 40% टिकट जो है वो महिलाओं को वो देने जा रही हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? आप भी तो महिलाओं के सम्मान के लिए लगातार बोलते रहेंगे, आपकी पार्टी से भी बहुत आवाजें उठती हैं महिलाओं के सम्मान को लेकर। महिलाओं के लिए हम लोग हमेशा सम्मान के लिए लड़ाई लड़ने का काम किए हैं और इस देश
देश में आधी आबादी महिलाओं की है, हर क्षेत्र में महिलाओं का वर्चस्व बना है या बनाया जा रहा है। ऐसे में अगर प्रियंका जी का यह बयान अगर राजनीति से प्रेरित न हो तो स्वागत योग्य है, लेकिन 40% क्यों, 50% क्यों नहीं? प्रियंका गांधी ने तो बोला है कि अगर उनका बस चलता तो 50% ही वो टिकट देती। इस अगर उनका स्टैंड साफ है, अगर वो दिल से चाहती है तो ये उनका बात स्वागत योग्य है। चलिए ठीक है रजनीश जी। अशोक मिश्रा जी, मिशन शक्ति, महिलाओं का सशक्तिकरण, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बहुत सारे स्लोगन हमने उत्तर प्रदेश में देखे, लेकिन हमने इन 4.5 सालों में बहुत सारे ऐसे बड़े मामले भी देखे जिन्होंने देश का रुख अपनी ओर किया, चाहे वो हाथरस हो, चाहे वो उन्नाव में एक पीड़िता को जला देना हो, या फिर इसके अलावा तमाम ऐसे मामले जिस पर हमारी नज़र गई है। कुछ तो ऐसे हैं जिन पर नज़र नहीं गई, कुछ तो ऐसे हैं जिन पर FIR भी दर्ज नहीं हुई है महिलाओं को लेकर। अब ये बताइए कि प्रियंका गांधी अब महिलाओं का हाथ पकड़ चुकी है, कहीं आपसे तो हाथ नहीं छूट रहा है? अशोक जी आवाज आ रही है मेरी? भारतीय जनता पार्टी पहले से ही महिलाओं का सम्मान मान सम्मान के लिए काम कर रही है। आवाज सही नहीं है। और हमारी हमारी पार्टी में उन महिलाओं की भी चिंता की गई है जिसकी चिंता पिछले 70 सालों से किसी ने नहीं की। जो गरीब महिलाएं लकड़ी पे, चूल्हे पे, गैस पे, वो गोबर पे खाना बनाते हुए सांस की और फेफड़े के मरीज का शिकार हो रही थी, उनको मोदी जी और योगी जी ने बड़े पैमाने पर गैस उपलब्ध करा करके उनके स्वास्थ्य की चिंता की है। अरे पिछले 1 महीने से वो सिलेंडर खाली पड़ा हुआ है, वो तो भरवा दीजिए जी। पिछले 1 महीने से सिलेंडर खाली पड़े हैं, महंगाई बहुत ज्यादा है, लगातार जो रसोई गैस सिलेंडर उसके दाम बढ़ रहे हैं, वो तो पहले भरवा दीजिए। आप महिलाओं की मदद की बात करते हैं, बहुत अच्छी योजना थी, लेकिन योजना का लाभ तो निरंतर मिलना चाहिए ना? बिल्कुल मिल रहा है, हर तरह से जो भी सुविधा हो सकती है सरकार दे रही है। और बाकी महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर तो शायद टेक्निकल इशू हो रहा है जिसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। एक बार फिर से हम अपने मेहमानों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि प्रियंका गांधी पूरी तरह से यूपी की राजनीति में सक्रिय नजर आ रही हैं। 40% महिलाओं को टिकट देने की बात यहां प्रियंका गांधी ने की है, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि 403 विधानसभा सीटों में से 161 पर महिलाओं को टिकट दिया जाएगा। अब पूरा सम्मान यहाँ पर महिलाओं को दिया जा रहा है, प्रियंका गांधी दे रही हैं। ऐसे में अब ये देखना है कि क्या प्रियंका गांधी ने जो आगे हाथ बढ़ाया है उस हाथ को क्या महिलाएं समझ पाती हैं, जुड़ पाती हैं या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। जावेद जी लगातार हमारे साथ फोनों पर बने हुए हैं, फोन लाइन पर। जावेद जी, कांग्रेस पुरजोर कोशिश कर रही है सत्ता वापसी के लिए, प्रियंका गांधी को इसीलिए चुनावी मैदान में उतारा था कि हो सकता है कि प्रियंका गांधी कुछ ऐसा कमाल कर दिखाएं कि 2022 में कांग्रेस को भले ही जीत ना मिले लेकिन अच्छी खासी जो सीट है उस पर पकड़ मजबूत हो जाए। लेकिन जो लगातार लखीमपुर खीरी में हमने देखा प्रियंका गांधी अव्वल रही हैं, उसमें सोनभद्र में अव्वल रही, हाथरस में अव्वल रही, उन्नाव मामले पर अव्वल रही हैं, इसके अलावा तमाम जितने भी मुद्दे हैं बड़े उन पर अव्वल रही हैं, क्या हो सकता है कि इस बार कुछ ना कुछ ऐसा करिश्माई हो जाए कि बस यूपी की जनता देखती रहे और जो सत्ताधारी हैं वो भी देखती रहे? काव्या जी, आपके मुंह में घी शक्कर, देश की राजनीति में चमत्कार भी हुए हैं और गंभीरता भी रही है उनमें। और प्रियंका जी ने जब से उत्तर प्रदेश में प्रभारी के रूप में कार्यभार संभाला है, उस समय से देखिए कांग्रेस निरंतर जमीन पर है। सदन में हमारी संख्या कुछ भी रही हो, हमें उसका कोई मलाल नहीं है। जनता ने जिस लायक हमको समझा, हमने उसमें उसका धन्यवाद दिया। लेकिन जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे थे, जहां पर सरकार क्रूरता पर आमादा रही है अभी तक अपने शासनकाल में पहले दिन से आज तक, जहां पर लोगों को कुचला गया है, जहां पर लोगों के साथ अन्याय हुआ है, जहां पर न्याय की कहीं आस नहीं थी, वहां पर हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने लगातार, सोन आपने स्वयं कहा कि वो चाहे सोनभद्र रहा हो, प्रयागराज में,
निषादों के साथ किस तरीके से योगी जी ने उत्पीड़न किया और कराया, किस तरीके से उनके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया, वो निषाद राज के वंशज जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को जो है नदी पार कराने का काम किया था, आश्रय दिया था, उनके वंशजों के साथ, चाहे हाथरस की बेटी का मामला हो, चाहे शाहजहांपुर की बेटी का मामला हो, उन्नाव में जिस बेटी का की के साथ दरिंदगी बीजेपी विधायक ने की, उससे परिवार का नाश करने का काम किया, वो मामला हो, लखीमपुर का मामला हो, हर जगह प्रियंका जी ने एक जावेद जी, ये जो प्रियंका गांधी ने फैसला लिया है, हम उम्मीद करते हैं कि ये वाकई महिलाओं को आगे बढ़ाए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है वो कम हो, हम ये भी उम्मीद करते हैं, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा 2022 में कि क्या होता है। तमाम मेहमान जो मेरे साथ जुड़े थे उन सभी का बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो प्रियंका गांधी ने अपना जो सबसे बड़ा दाव था वो चल दिया है, ये दाव है महिलाओं को लेकर, महिलाओं के सहारे प्रियंका गांधी लगातार अपनी नैया आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। फिलहाल देखना होगा कि 2022 में क्या ये नैया पार हो पाती है या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।